अगली खबर आ रही है नसरुल्ला गंज से। जैसा कि हम सब जानते हैं, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं वह गुलामी का एहसास क्यों दिलाया जा रहा है? ये आरोप लगाए हैं और सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर हमला बोला है। ऐसे प्राचार्य जो भरी धूप में बच्चों को अजीमो शान सहसा की तर्ज पर सम्मान करवाया जा रहा है, उनको लेकर कार्यवाही की मांग की है। दरअसल पूरा मामला बुधनी विधानसभा क्षेत्र नसरुल्लागंज का है, जहां मुख्यमंत्री सुपुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडल स्तरों पर प्रेम सुंदर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करवाया जा रहा है। इसी तारतम्य में युवा नेता श्री चौहान नसरुल्लागंज पहुंचे, जहां पर वह नसरुल्लागंज के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय से पैदल गुजर रहे थे, तभी विद्यालय परिसर में छात्र छात्राएं अजीमो शान सहसा की तर्ज पर युवा नेता का पुष्प वर्षा कर स्वागत सम्मान करवाया गया। वहीं कार्तिकेय सिंह का स्वागत स्कूल प्राचार्य द्वारा छात्र छात्राओं से कराने को लेकर कांग्रेस जिला प्रवक्ता गोपाल शर्मा ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के सुपुत्र कार्तिकेय सिंह को स्कूली छात्र छात्राओं से अजीम शान वाले सम्मान दिलाने वाले स्कूल प्राचार्य पर प्रकरण दर्ज हो, जो बच्चों को मानसिक गुलामी का एहसास क्यों दिलाया जा रहा है। अरे बच्चे उनको पढ़ने दो साहब, जो परेशान कर रहा हो। स्थानीय प्रशासन से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य से किस आधार पर महामहिम कार्तिकेय सिंह चौहान, तथाकथित कार्तिकेय सिंह, महामहिम कार्तिकेय सिंह चौहान को ये सम्मान अजीमो शान सहंसा वाला सम्मान दिलाया जा रहा है? दोनों पंक्तियों में बच्चों को दोपहर में खड़ा कर पुष्प वर्षा की जा रही है। क्या संसदीय पद है कार्तिकेय सिंह चौहान पर? कौन सा संवैधानिक पद कार्तिकेय सिंह चौहान के पास है जो वो स्कूल में आ रहे हैं और बच्चे उन्हें सलामी दे रहे हैं? एक बार और गोपालपुर की घटना में याद दिलाना चाहता हूँ। लगभग 7-8 साल पहले कार्तिकेय सिंह चौहान अपनी दादी की स्मृति में कापी किताब बांटने गोपालपुर गए थे और लगभग आधा दर्जन छात्राएं बेहोश हो गई थी और ये 4 बजे पहुंचे थे। मैं पूछना चाहता हूँ, स्थानीय प्रशासन किस तरीके से इनको सहनसा या राजा का बेटे के रूप में एक इमेज बनाना चाहता है? ये गलत है। मैं व्यक्तिगत तौर पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते राष्ट्रीय बाल आयोग से कार्तिकेय सिंह चौहान और स्थानीय प्रशासन की शिकायत करूंगा और मांग करूंगा कि ऐसे प्राचार्य को तुरंत बर्खास्त किया जाए और उस पर प्राथमिकी दर्ज की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।